हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलदीप सिंह है और मैं अपने इस चैनल कमलदीप सिंह नेचर के ऊपर थोड़े सारियां दे नाल एक कहानी साझी करना चाहता हाँ। एक कहानी एक किसान की है जो कि अपने परिवार नाल बहुत खुशी और आनंदमय जीवन बतीत करता सी, अमीरी गरीबी नाम के शब्दों तो कोहां दूर सी। वो अपनी थोड़ी जमीन में खेती करके जिन्ना भी कमाउंदा उस नाल अपना परिवार चला लैंदा ते बहुत खुश रहिंदा। एक दिन उसने एक व्यापारी मिलिया जो कि हीरियां दा व्यापार करदा सी अते दूर देश तो आया होया सी। किसान दे पुछण ते उस व्यापारी ने दस्या कि हीरे एक चमकीले पत्थर नूं कहिंदे हन जो कि बहुत चमकदार हुंदा है अते जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत हुंदी है। उसने दस्या कि एक निक्के जे हीरे दे उसनू इन्ने पैसे मिल सकते हैं जिन्ने कि वह अपनी सारी जिंदगी विच भी नहीं कमा सकता। उसने कहा कि जिसनू भी हीरे मिल जाए वह अपना जीवन राजे की तरह बतीत कर सकता है। इन्हां गल्लां कह के वह व्यापारी उत्थों चला गया। हुण किसान दा मन अशांत हो गया, उस दियां खुशियां दूर किते खंभ ला के उड़ गई। हुण उस दी रातां दी नींद भी खराब हो गई। वह हर वेले हीरियां बारे ही सोचता रहिंदा। ते एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी जमीन बेच के हीरियां दी तलाश विच जाएगा, भावें उसनू हीरियां दी कुछ खास पहचान ना नहीं सी। उस दे इस फैसले तो उसका परिवार खुश नहीं सी। वह हुण किसी दी भी परवाह नहीं करता सी। उस लई अपनी पत्नी अते बच्चों के प्यार तो ज़्यादा हीरियां नूं पाउण दी भुख सी। उसने व्यापारी नूं अपनी जमीन बेच दित्ती ते दूर हीरियां दी तलाश विच निकल गया। वह दिन रात हफ्ते महीने साल एक तो दूजे देश भुखा प्यासा थकिया हारिया घूमता रहा ते काफ़ी बीमार रहन लगा अते हीरियां दी भेट चढ़ गया। उसकी मौत किसी दूर देश विच हो गई। हुण इधर वो व्यापारी जिसने किसान दे खेत ले सी वो एक दिन खेतों विच फेरी मारन गया तो चलते पानी विच उसनों कुछ पत्थर चमकते दिखे। जदों उसने कढ़ के तराशे तो हीरे सन। जिन्हां हीरियां नूं पाउण लई किसान ने अपनी जिंदगी गवा दित्ती, असल विच वो मूर्ख किसान उन्हां हीरियां दे खेत दा मालक सी। बस फर्क इन्ना सी कि व्यापारी नूं पत्थर अते हीरे विच फर्क पता सी अते किसान नूं नहीं पता सी। सो कहानी सानूं की सिखाउंदी है? परमात्मा ने जिसनों हीरे नहीं दिते सन उसनों उन्हां दी पहचान दे दित्ती। वह देश विदेश घूम के उन्हां नूं लभदा ते जीवन बतीत करदा सी। ते दूजा किसान जिसनों हीरियां दे खेत दा मालक बनाया सी वो उन्हां नूं पहचान ही नहीं सकिया ते अपना जीवन गवा गया। इसे तरह साडे विच बहुत सारे लोग उस करतार दी दित्ती हुई दात नूं पहचान नहीं पाउंदे ते अपना जीवन गवा के चले जांदे हन। उन्हां नूं लगदा है कि परमात्मा ने उन्हां नाल धोखा किया है। उन्हां नूं लगदा है कि परमात्मा ने उन्हां नूं थोड़ा दिता है या दूजियां तो घट दिता है। वो हमेशा अपने आप नूं अपने तो उच्चिया नाल कंपेयर करके अपने आप नूं माड़ा समझते रहिंदे हन, पर वो कदे नहीं सोचते या कदे नहीं जानने की कोशिश करते कि परमात्मा ने उन्हां नूं की दात दित्ती है।
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਕਰਤਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ।